सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइज आज की सीरीज में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ अपने आईफोन SE के कवर के बारे में, जो कि मेरा आईफोन है वो SE 2020 वाला मॉडल है जो कुछ इस टाइप का दिखता है ब्लैक कलर में। ये इधर एप्पल का लोगो दे रखा है। और अभी जो मैं आपको कवर दिखाने वाला हूँ ना, वो जो कवर है वो आईफोन SE और आईफोन 8 में भी लग सकता है। सो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो है इस कुछ इस टाइप का जो है बॉक्स आता है, ये जो मैंने फ्लिपकार्ट से बुक किया है। और अगर आपको भी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं इसे खोल के दिखाता हूँ आपको। कुछ इस टाइप का कवर है, काफ़ी पैकिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है इन्होंने। और लुक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वैसे इसके। और यहाँ पे पीछे फोम वगैरह भी दे रखा है और प्लास्टिक में इन्होंने रैप करके दे रखा है। सो ये मैंने खोला इसे और अभी मैं इसका फोम भी हटा के दिखाता हूँ। ये मैंने इसका फोम हटा दिया। और ये जो है इसमें एक और काफ़ी अच्छा फीचर है कि इसको ये जो है पीछे एक हुक दे रखा है, इसको हम लोग खोल के कुछ मूवी या फिर कुछ वीडियो टाइप का देख सकते हैं रख के। सो मैं अभी इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो खुल गया और कुछ इस टाइप से रख के ऐसे देखा जा सकता है। और ये अभी मैं आपको इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सो देखते हैं, ये मेरा फ़ोन है और अभी ये कवर है, मैं इसे लगा के दिखाता हूँ आपको। ये लग गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, हैंडी है और थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन ठीक है। बटन्स वगैरह भी सही से काम कर रहे हैं, थोड़े टाइट हो गए हैं लेकिन ठीक है। और ये जो साइलेंट और रिंगर वाला जो बटन रहता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेकिन ठीक है, वो भी हो जा रहा है आराम से। सो सब मिला जुला के कवर काफ़ी अच्छा दे रखा है। ये सब चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह भी उसमें आसानी से लग सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला हुक खोल के कि कैसे फ़ोन को लगा के देख सकते हैं, दिखा जा सकता है इसमें। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसे। ये जो मैंने खोल दिया, अभी मैं इसे रख के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने रखा और ये कैसे इजीली रखा गया। और इसको हम लोग एक और तरीके से रख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप से रख सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतने, काफ़ी थैंक्स फॉर वॉचिंग।